हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे वर्डप्रेस को कैसे लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करें। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है वर्डप्रेस। आप देख सकते हो आपको ये सर्च करना है आपको वर्डप्रेस। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है पेज को, ये वाला लिंक आपको ओपन करना है, ये वाला लिंक आपको ओपन करना है। मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गया। स्क्रॉल करना है आपको पेज को, नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.2, ये लेटेस्ट वर्जन है। इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेंड, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.7.2 मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। इसको आपको, इस फाइल को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे जेम सर्वर या ओएम सर्वर इंस्टॉल किया है उस फोल्डर को ओपन कीजिए। देखिए फ्रेंड, ये मेरा है जेम सर्वर का फोल्डर, देख सकते हो फ्रेंड, लोकल लिंक से उसके अंदर जेम, उसके अंदर एक फोल्डर होता है एचटी ड्राइव, उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है आपको, नया फोल्डर। आप कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद इस प्लेस को, प्लेस में आपको वर्डप्रेस फाइल को पेस्ट करना है। तो मैं कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके आपको पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया, इसको आपको अनजिप करना है। यह अनजिप हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ जीप हो गया है। उसके बाद आपको जीप जो फाइल है उसको डिलीट कर देना है। अब इसके अंदर ओपन करना है और इस सारे कंटेंट को आपको काट करना है, बैक आ जाना है। उसके बाद जो फोल्डर नया बनाया उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है और इसको पहले जो फोल्डर आपको कॉपी किया था उसको डिलीट कर देना है। देखिए आ गया है। उसके बाद आपको फिर ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है लोकल होस्ट। देखिए ये मेरा है, सर्च कर दिया। उसके बाद आपको इसको एक बार रिफ्रेश करना है। देखिए ये मेरा वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट का फाइल का नेम है वर्डप्रेस 24। इस फोल्डर के अंदर ही हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लैंग्वेज आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए उसके सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेट्स ग्रो पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहे डेटाबेस नेम, ये डेटाबेस नेम कहाँ से आपको मिलेगा? उसके लिए आपको पीएचपी माय एडमिन ओपन करना है। देखिए ये पीएचपी माय एडमिन है। उसके बाद आपको नया है, नया डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके लिए इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, नया देख सकते हो। इसको
ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेटाबेस नेम यहाँ पे फिल करना है। आप हम रख देते हैं न्यू 24, डेटाबेस का नाम न्यू 24। उसके बाद आपको क्रिएट करना क्लिक करना है। ये डेटाबेस हम लोग क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का पेज में जाना है, यहाँ पर लिख देना है न्यू 24 जो अभी बनाया है, और ये नेक्स्ट यूजर नेम होगा रूट, पासवर्ड रहेगा बैंक, और टेबल प्रीफिक्स का मतलब है जब डेटा आपको सर्वर में लोकल होस्ट में सेव होगा तो उसके पहले आपको क्या रखना चाहते हो, डब्ल्यू बी रखना चाहते हो और कोई भी आपका मन ये कोई भी अवार्ड रख सकते हो। मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद सबमिट ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद रन इंस्टॉलेशन ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको साइट का टाइटल रखना है, साइट टाइट के लिए हम रख देते हैं ऑनलाइन वेबसाइट 24। ये मेरा चैनल का नाम है, अगर आप पहली बार है चैनल में तो इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यूजर नेम तो हमको रखना है कोई भी, हम रख देते हैं एडमिन। उसके बाद पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हो, मैं रख देता हूँ कुछ एडमिन एट द रेट 120। उसके बाद आपको कन्फर्म में रखना है, उसके बाद आप कोई भी रख सकते हो। हम रख देते हो गया है। उसके बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस क्लिक करना है। इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, अब जो एडमिन पासवर्ड दिया था वही आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड भी सेम डालना है जो दिया था। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। लॉगिन करने के बाद वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये है एडमिन पैनल, यहाँ से आप वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में बोलूँगा मैं कैसे आपको वो पोज इमेज कमेंट ये सब बारे आपको अगले वीडियो में मैं बोलूँगा। अगर आप वीडियो को इस वीडियो को आपको अच्छा लगे कुछ सीखा हो वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।